नमस्कार दर्शकों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा 19 और 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसके अलावा चंद्रमा इस खास दिन धरती पर अमृत की वर्षा करता है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं और कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन नहीं किए जा सकते। शरद पूर्णिमा के दिन शुभ फल की प्राप्ति के लिए वे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन वर्जित इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी अति रुष्ट हो जाती हैं, आपसे रूठ जाती हैं। आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। माता लक्ष्मी आपके घर स्थायी निवास करें। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप हर एक कार्य कीजिए, लेकिन इन कार्यों को ना कीजिए। वे क्या कार्य हैं हम आपको बताते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को सिर्फ सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। व्यक्ति को इस दिन तामसिक भोजन और हर तरह के नशे से बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता और निराशा बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखिए। शरद पूर्णिमा के दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। आज के लिए व्यक्ति को पहनने के लिए सफ़ेद, गुलाबी, लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को काम वासना से भी बचना चाहिए। आज के लिए उपवास भी रखना चाहिए। सत्संग और भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि तो प्रखर होगी ही, साथ में आपको अपार धन की भी प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ देने से दमा रोगियों की तकलीफ भी कम हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन गर्भवती स्त्रियों को नाभि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़वाना चाहिए। इससे उनका बच्चा बुद्धिमान तो होगा ही, साथ में प्रबल और शक्तिशाली भी होगा और उस बच्चे की शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। शरद पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के लिए भी कुछ उपाय हैं। रात को माँ लक्ष्मी के सामने घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। उन्हें गुलाब के फूलों की माला पहनाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सफ़ेद मिठाई का अवश्य भोग लगाएं, खीर का अवश्य भोग लगाएं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्रों की, लक्ष्मी स्त्रोत के मंत्रों की 11 माला का जाप करें। शरद पूर्णिमा के दिन अपार धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के साथ साथ भोलेनाथ, भगवान शिव को और कुबेर महाराज को भी प्रसन्न करें। उन्हें पंचामृत से अभिषेक करें। श्री कृष्ण को मोरपंख भेंट करें और बांसुरी भी भेंट करें। ऐसा करने से पूरी निष्ठा से आप पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आप पर भगवान भोलेनाथ, कृष्ण भगवान और माता लक्ष्मी कुबेर भगवान की अति कृपा बरसेगी। आपके घर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। सभी निरोगी काया रहेंगे। आपको और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिस पर अधिक से अधिक वीडियो डाले गए हैं, कई उपाय बताए गए हैं जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।